अलावा आज फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस ने 14 तारीख को डॉक्टर का अपहरण करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसका आज पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने हत्या में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें 3 सगे भाई समेत एक मामा है। हत्या में शामिल अभियुक्तों ने बताया कि हमने डॉक्टर ज्ञान प्रकाश पांडे को फरौती के लिए 14 सितंबर को रेलवे क्रॉसिंग के पास से उस समय अपहरण किया जिस वक्त डॉक्टर अपने क्लिनिक करहल जा रहे थे। हमने डॉक्टर के पैर छूने के बाद उनसे पूछा था कि आप कहां जा रहे हैं। डॉक्टर ने बताया कि हम करहल जा रहे हैं और डॉक्टर को करहल छोड़ने के लिए हमने अपनी स्कॉर्पियो कार में बैठा लिया। रास्ते में हमने डॉक्टर का रस्सी से गला दबाकर हत्या कर दी, क्योंकि डॉक्टर हमें जानता था। जिसके बाद हमने डॉक्टर को एक बक्से में बंद करके बक्से को भोगनीपुर नहर में फेंक दिया, जिसके बाद हमने डॉक्टर के घर फोन करके फिरौती बतौर 55 लाख की मांग की थी। डॉक्टर के बेटे ने फौरन पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने 100 नंबर को सर्विस लाइन पर लगाकर हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अभियुक्तों से पूछताछ की तो अभियुक्तों के बताने पर पुलिस ने भोगनीपुर नहर में बक्से समेत डॉक्टर के शव को तलाशना चाहा, लेकिन शव नहीं मिला। पुलिस अभी भी शव की तलाश कर रही है। पुलिस ने हत्या में शामिल सामान को बरामद किया। इटावा से संजीव कुमार की रिपोर्ट, SKS न्यूज। शाम को उनके घर पे फिरौती की कॉल आई, मुकदमा उसमें पंजीकृत किया गया था फिरौती हेतु अपहरण का। उसके बाद पुलिस टीमें लगाई गई और मुकदमा जो है वो वर्कआउट हुआ है। उसमें तथ्य ये प्रकाश में आया है कि इनके घर में एक किराएदार इनका रहता था, डॉक्टर साहब ने वो 1.5 वर्ष तक इनके घर में करीब रहा और अभी इनके घर के सामने ही किराए के मकान पे रहता है। उसके 3 सगे भांजे हैं। इन चारों लोगों ने बेसिकली ये किडनैपिंग प्लान की थी। 1 वर्ष पहले भी इन लोगों ने किडनैपिंग प्लान की थी। पिछले साल जून 2016 में प्लान किया इन्हें अपहरण करने का, लेकिन वो किसी कारणवश ये लोग नहीं कर पाए। और 14 सितंबर से पहले एक दिन 13 सितंबर को भी इन्होंने प्रयास किया और बाकायदा रैकी करके गए, लेकिन उसमें ये चूँकि डॉक्टर पहले निकल गए तो इसलिए किडनैपिंग नहीं लग पाए। और 14 तारीख को अपहरण के बाद इन 3 जो अभियुक्त थे इन्होंने आधा घंटे के अंदर ही अपहृत डॉक्टर की हत्या कर दी और स्कॉर्पियो गाड़ी ये करहल से लेके आए थे। करहल से ही ये बक्सा खरीद के लेके आए थे और पहले से सुनियोजित तरीके से आए थे कि अपहरण करते ही मार देना है। और उठाने के बाद ये इटावा करल मार्ग पे हैबरा जगह पड़ती है, हैबरा के पास में ही उन्होंने पीछे एक अभियुक्त बैठा हुआ था तो हैबरा के पास में रस्सी डाल के गले में डॉक्टर साहब की हत्या कर दी और उसके बाद ले जा के नहर पे जो है वो फेंक दिया और बक्से में बॉडी बंद करके, शव को बंद करके तब नहर में फेंका गया। इस तरीके की बात अभियुक्तों की पूछताछ में आई है। उससे पहले अभियान चेकिंग अभियान चलाया गया जो मृतक जो डॉक्टर थे उनकी बॉडी को रिकवर करने के लिए करीब 80 किलोमीटर के स्ट्रेच पे जो है कई दिन उसने सर्च अभियान चलाया तो उसमें बक्सा तो रिकवर हो गया है बेसिकली, जिसमें बक्से में बॉडी डाला जाना प्रकाश में आया था बक्सा रिकवर हो गया है, लेकिन इनकी डेड बॉडी जो है वो रिकवर नहीं हो पाई है। एक और इसमें विशेष बात यह है कि एक झाल पड़ता है नहर पर जिस पर करीब 20-30 फीट नीचे पानी गिरता है, तो वहाँ पे एक मछुआरा हम लोगों को मिला जो प्रत्यक्षदर्शी इस चीज़ का गवाह था, इसने बताया कि एक बक्सा नया बक्सा उसने आते हुए देखा तो उसे खोलना उसने चाहा, पकड़ना चाहा, पकड़ नहीं पाया, लेकिन झाल से जब वो बक्सा नीचे गिरा तो उसमें से बक्से से अलग हो गई डेड बॉडी, तो बक्सा वहीं पर गिर गया और डेड बॉडी आगे चली गई। तो चूँकि नहर में काफ़ी तेज़ बहाव था और बीच में बरसात भी हो गई, पानी का लेवल काफ़ी बढ़ गया था, लेकिन हम लोगों ने सिंचाई विभाग से भी समन्वय स्थापित करके और ऊपर बात करके तो पानी के लेवल को भी कम कराया तो बक्सा तो रिकवर हो गया लेकिन डेड बॉडी रिकवर नहीं हो पाई है। एक डेड बॉडी जनपद कानपुर देहात क्षेत्र में बरामद हुई और चौकी पामा वहाँ पर पड़ती है, वहाँ से निकाली गई थी, जिसके विषय में जो डॉक्टर साहब इनके परिजनों ने शुरू में उनका कहना था कि उस तरीके की कुछ पहचान उनको मिल गई, लेकिन हम लोगों ने बताया कि वो DNA सैंपल के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि वो आपके परिजन की बॉडी है कि नहीं, तो DNA सैंपल हम लोग उसमें भी करा लेंगे, लेकिन अभी तक एज ऑफ नाउ डेड बॉडी रिकवर नहीं हुई है और
भी आगे प्रयास किए जा रहे हैं कि नहर जाके जहाँ नदी में मिलती है वहाँ पे भी हम लोग प्रयास करवा रहे हैं कि अगर वहाँ से बॉडी बरामद हो जाए तो बॉडी बरामद हो सकती है। इनकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई सर? ये चार टोटल अभियुक्त हैं जिसमें से कि तीन लोग तो यहीं से पकड़े गए इटावा से ही और बाकी जो एक अभियुक्त है वो बर्तना से पकड़ा गया। सर एक बड़ा सवाल, 55 लाख रुपए फिरौती की बात सामने आई थी कि लोगों ने फोन करके कहा, लेकिन आधे घंटे में ही हत्या कर दी, उद्देश्य फिरौती वसूलना था या हत्या करना था? यही एक सवाल था जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था, काफ़ी गहराई से इस विषय पे जो हम लोगों ने पूछताछ की है और इस तरीके की बात प्रकाश में आई कि चूँकि जो अभियुक्त थे इनसे डॉक्टर साहब का काफ़ी आना जाना था और अच्छी जान पहचान थी पहले से काफ़ी से, तो ये लोग डरे हुए थे कि डॉक्टर साहब को का पढ़ने के बाद वो पहचान लेंगे, इसलिए इन्होंने पहले ही सुनियोजित तरीके से हत्या के प्लान से आए थे, साथ में ट्रंक रख के लेके आए थे अपने स्कॉर्पियो में। तो इनका जो उद्देश्य था वो शुरू में ही हत्या कारित कर देना था और उठाते ही इन्होंने हत्या कारित कर दी। क्या क्या बरामद हुआ है सर इनके पास से? ट्रंक एक बरामद हुआ है, डॉक्टर साहब ने जो पैंट पहनी हुई थी वो बरामद हुई है और कई चीज़ बरामद हुई है, गाड़ी एक बरामद हुई है जो कि घटना में यूज हुई थी, सफ़ेद रंग की स्कॉर्पियो कार है वो बरामद हुई है और उनके कुछ पानी की बॉटल वगैरह वो बरामद हुई है, आधार कार्ड बरामद हुआ है, उनका ड्राइविंग लाइसेंस बरामद हुआ है, उनके पास एक बैग था जो अपहृत डॉक्टर थे उनके पास एक बैग था, बैग में कुछ उनके सामान थे वो सामान ये सब चीज़ बरामद हुई। पुलिस ने इनको हथियारों को किस तारीख में कितने दिन बाद पकड़ा? पुलिस ने कल ही जो है इन लोगों को पकड़ा है, कुछ लोगों के जिनमें लोग ये भी सम्मिलित थे इनके नाम प्रकाश में बोल रहे थे और सघन पूछताछ उनसे की गई, पूरे क्षेत्र में काफ़ी लोगों से पूछताछ की गई, सघन पूछताछ की गई जिन जिनके नाम प्रकाश में है और कल इनकी गिरफ्तारी की। परिवार के लोगों का क्या कहना है सर? कि क्या वजह थी, हत्या क्यों करना चाहते थे ये चारों जो डिब्बे पकड़े गए हैं? जब वो फिरौती मांगने का ज़्यादा तो गुमराह करते रहता है, लेकिन हत्या इन्होंने क्यों की? बेसिकली दो चीज़ इसमें जो मेन प्रकाश में आई, जैसे मैंने पहले भी बताया, एक तो ये थी कि ये चूँकि डॉक्टर साहब से पहले से परिचित थे तो इन लोगों का पहले ही प्लानिंग थी कि फिरौती मिल जाने के बाद भी ये लोग हत्या कारित कर देंगे। दूसरा ये लोग काफ़ी अफरा तफरी में जो है वो किडनेपिंग को अंजाम दिए और अपहरण करने के बाद ये लोग चिन्हित नहीं कर पाए कहाँ पर अपहरण को रखना है, जैसा कि पूरा इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हुआ है इन लोगों के पास कोई जगह का इंतजाम नहीं कर पाए जहाँ पर भी अपहरण को रख सकते थे, इसलिए उठाने के आधा घंटे के अंदर इन्होंने हत्या नहीं। तो इन्होंने फिरौती के लिए अगर फ़ोन किया तो मारा क्यों, क्या बता रहे? यही अब यही जो दो चीज़ें हैं यही कि ये कहीं बेसिकली जगह का इंतजाम नहीं कर पाए जहाँ पर रख सके अपहरण को, और चूँकि जान पहचान थी तो इन्हें डर था कि जो अपहरण डॉक्टर हैं वो इन्हें पहचानते हैं, वो अगर छूट जाएंगे तो इनके बारे में सारी चीज़ें आउट हो जाएंगी। ये हमारे यहाँ इसको फ्रेंच कॉलोनी और क्राइम ब्रांच की टीम ने इसमें अथक प्रयास के बाद जो उनको वर्कआउट किया है।